हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है पावर बैंक के ऊपर। तो मेरे पास दो पावर बैंक है जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो मेरे पास है दो पावर बैंक। तो पहला पावर बैंक है वो है एम्ब्रेन का, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं इसका फुल अनबॉक्सिंग, और इसके जो फीचर्स है सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आज मेरे पास है एक और सिमिलर प्रोडक्ट। तो ये है, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और इसमें था ओपन बॉक्स डिलीवरी, जहाँ पे आपको पहले ये खोल के दिखाएंगे, फिर आपको OTP शेयर करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि ये सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसे तुरंत रिटर्न कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है। तो ये रहा वो बॉक्स। तो यहाँ पे आपको ये जो कंपनी है, ये है पॉवरट्रॉनिक्स। ये है पॉवरट्रॉनिक्स का पावर बैंक, सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग है। तो इसमें आपको सेम पहले तो पावर बैंक मिलेगा। तो ये है वो पावर बैंक, देख सकते हैं आप। और इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है। हम इसका क्लोजअप व्यू भी आपको दिखाएंगे कैसा है इसका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन। तो ये मिलता है, साथ में आपको एक यूज़र गाइड मिलता है सिंपल, और एक वारंटी कार्ड है जिसमें इसके साथ आपको एक साल की वारंटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, प्लस आपको एक केबल मिलता है। तो ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है। तो पॉवरट्रॉनिक्स जो है आपको टाइप सी टू टाइप सी दे रहा है। अब मैं एम्ब्रेन का दिखाता हूँ। एम्ब्रेन में भी आपको एक केबल मिलता है, बट वो है USB टू टाइप सी। ये केबल जो है USB टू टाइप सी है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसका जो मटेरियल है डिफरेंट है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा उतना ज़्यादा टाइम तक चलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ ये टाइप सी टू टाइप सी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये बॉक्सेस को हम साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है वो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पावर लिखा है 22.5 वॉट। तो ये जो प्रोडक्ट्स है इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। इसका साइज़ ये बड़ा लग रहा है एम्ब्रेन का, और ये काफ़ी पॉकेट साइज़ है एंड काफ़ी स्लिम भी है, देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस दोनों प्रोडक्ट की। और ये इसका बैक साइड जहाँ पर ब्रांडिंग है और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर इसका सब कुछ डिटेल लिखा है। तो ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये मैगसेफ चार्जर बोलते हैं इसको। तो जैसे आप अगर एप्पल फ़ोन या कोई भी वायरलेस डिवाइस आप यूज़ करते हैं फ़ोन्स, तो इनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, सैमसंग के हो गए या एप्पल के हो गए। तो मोस्टली मैं आपको एप्पल का दिखाने वाला हूँ। प्लस जो इनके जो इनपुट्स है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, सिमिलर इनपुट्स है। एक पावर बटन है, टाइप सी पोर्ट है और USB है। तो टाइप सी से ये चार्ज भी होते हैं, और उसी के साथ आप इसको रिवर्स मतलब चार्ज भी कर सकते हैं बाकी प्रोडक्ट, और USB से भी कर सकते हैं। तो इसका जो वायर के साथ आउटपुट है वो है 22.5 वॉट, और जो इसका आउटपुट है वो चेंज होता है और जाता है लगभग 15 वॉट तक। तो मैं आपको दोनों प्रोडक्ट पे चार्ज करके दिखाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट सिंपल है, जैसे ही स्नैप करेंगे आप और ये चार्ज होना चालू हो जाएगा इंस्टेंट। तो जैसे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग इसने चालू कर दी है और ये प्रोडक्ट चार्ज हो रहा है। नाउ सिमिलरली इसको मैं अगर निकाल के इस पर लेके जाऊँगा, तो ये यहाँ पे चिपक तो गया लेकिन इमिडिएटली चार्ज नहीं होता। फिर आपको पावर बटन को दबाना है, फिर यहाँ पे लाइट जलेगी, तो ये फिर हो जाएगा चार्जिंग स्टार्ट। तो इस तरीके से दोनों प्रोडक्ट आपके काम करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, और जब हम इसको निकालेंगे और जब मैं पॉवरट्रॉनिक से चार्ज कर रहा हूँ, तो ये इमिडिएटली स्नैप होकर चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके पीछे आपको लाइट इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कितने पॉइंट तक चार्ज है ये प्रोडक्ट, और जैसे जैसे चार्जिंग ख़त्म होगी इसके इंडिकेटर्स भी बंद होते जाएंगे। तो ये कुछ इनका इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। तो दोनों प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे कंपेरिजन में ये जो थोड़ा बल्की है और ये थोड़ा लाइट वेट है, और दोनों 10,000 mAh बैटरी के साथ आते हैं। दोनों का एक तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। जैसे इसमें आपको कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है,
हालांकि इसमें इन्होंने एक फीचर दिया है कि स्टैंड का चार्ज करते करते अगर आप इसे यहाँ पे स्नैप करेंगे तो ये इस तरीके से लग जाता है और ये चार्ज होते रहता है। इसके केस में क्या है, आपको जैसे अगर आप कहीं पे घूम रहे हैं या फिर टहल रहे हैं तो ये इजिली पतला होने की वजह से आप ये काफ़ी हैंडी है और काफ़ी लाइट वेट है। तो मेरे हिसाब से पोट्रॉनिक्स का भी बेटर है और एम्ब्रेन का भी बेटर है। आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपको पतला चाहिए या आपको एक स्टैंड के साथ और काफ़ी ड्यूरेबल, जैसे कि ये लग रहा है मुझे ग्लास है या प्लास्टिक है तो ये गिरने पे टूट भी सकता है, तो इसमें आगे चल के कोई दिक्कतें भी आ सकती है। तो इसी वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ आपको एम्ब्रेन का, क्योंकि ये ड्यूरेबल भी है और इसमें आपको स्टैंड भी मिल रहा है। बाकी आपके यूज़र्स के, आपके यूज़ करने के ऊपर है आपको कौन सा लेना है, और आपके जो कमेंट्स है, आपके जो थॉट्स है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये इनमें से कौन सा आपको पसंद आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।